धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। बता दें, आम आदमी पार्टी के सदस्य डीएन सिंह ने मीडिया को बताया कि भारत की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाना तथा अडानी के साथ देश बेचना बंद करे। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छे रैंक में लाकर देश का नाम रोशन किया, लेकिन भाजपा पार्टी की ओर से लगातार दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी गिरफ्तारी करवाने का कार्य किया, जबकि देश के लोकतांत्रिक राजनीति को हत्या करने का काम किया है। अगर आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को तत्काल रिहा नहीं करते तो अगली रणनीति जेल भरो आंदोलन करने के लिए पूरे देश में बाध्य होंगे आम आदमी पार्टी। आज जो है पुतला दहन इसलिए हो रहा है, देश नहीं देश विदेश के चर्चित अच्छे काम करने वाले शिक्षा मंत्री को कल मोदी सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि हमारे हिंदुस्तान में अंधविश्वास लाना है। अंधविश्वास लाने के लिए शिक्षा को कमजोर करना पड़ेगा। जो सिसोदिया जी शिक्षा जगत में देश नहीं विदेश में डंका बजा हुआ था और यही लेकर के इन लोगों को बेचैनी बढ़ी और इन लोगों को झूठा केस लगा कर कल गिरफ्तार किया गया। पुतला दहन किया, मोदी जी का पुतला दहन हुआ क्योंकि एक सच्चा शिक्षा जगत के आदमी को गिरफ्तार किया गया और अडानी जैसे आदमी जो हिंदुस्तान को ख़त्म कर रहा है उनसे दोस्ती कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी का पुतला दहन। उन्हें रिहा नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी आगे क्या करेगी? देखिए, आगे आज कार्यक्रम शुरू है, चरण भर हम लोग पूरे हिंदुस्तान में यदि तो नहीं संभला तो हम लोग जेल भरो अभियान चालू करेंगे और सारे लोग हमारे हम लोग जेल के अंदर जाएंगे। ठीक है सर।